हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक नागव हियर। आज हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 आता है हमारा, और इसमें हम बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी के लॉस की वजह से किसी स्पीसीज का क्या होगा, एक्सटिंक्शन होगा। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्शन, क्या मतलब है एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन इट इज डाइंग आउट और complete elimination of a species from the earth। जब किसी species का आखिरी organism भी मर जाएगा धरती के ऊपर से, तो उससे हम कहते हैं extinction। okay, susceptibility to extinction। तो जो एक्सटिंक्शन है उसके क्या कारण हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट, लार्जर साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर उनका नंबर क्या है, कम है। थर्ड, लो रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है उनका, कम है। टॉप कंज्यूमर इन फूड चेन में अगर वो टॉप कंज्यूमर है तो भी उनके खत्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, साथ के साथ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में अगर वो रहते हैं तो भी उनके मरने के चांसेस ज्यादा होंगे, एक्सटिंक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। फिक्स्ड फूड यानी कि वो किसी अल्टरनेट फूड के ऊपर फीड नहीं कर सकते। ओके, और लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ना के बराबर होती है। तो ये कुछ चांसेस हैं, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। ओके, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। जो एक्सटिंक्शन है कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक्सटिंक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके का होता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, नेचुरल एक्सटिंक्शन। सेकेंड इज मास एक्सटिंक्शन एंड थर्ड वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। वन बाय वन इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, जो फर्स्ट है नेचुरल एक्सटिंक्शन एक स्लो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद टाइम, समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बैकग्राउंड
एक्सटिंक्शन, क्या रीजन है इस केस में होता क्या है? ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से जो बेटर एडॉप्टेड स्पीसीज, बेटर एडॉप्टेड या बेटर एडेप्टेड, जो अपने आप को एडेप्ट कर लेती है बेहतर तरीके से, बेटर एडेप्टेड स्पीसीज रिप्लेसेस दी अदर नॉन एडेप्टिंग स्पीसीज, वो नॉन एडेप्टिंग स्पीसीज को क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। और जो स्पीसीज एडेप्ट नहीं कर पाएगी, यानी कि नॉन एडेप्टिंग स्पीसीज, दैट विल एक्सटिंक्ट, वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके, सेकंड आता है हमारा मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कम समय के अंदर पूरी की पूरी जो स्पीसीज है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज डाइज विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत कम समय के अंदर पूरी की पूरी जो स्पीसीज है वो खत्म हो गई। अब तक धरती के ऊपर अर्थ हैज फेस्ड 5 मास एक्सटिंक्शन, 5 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है। ओके, एक बार तकरीबन 225 मिलियन ईयर एगो परमियन पीरियड में जो स्मॉल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट, एक साथ वो खत्म हो गए। एक एग्जांपल आ जाता है 60 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट, डायनासोर खत्म हो गए। ओके, क्या रीजन माना जाता है? नेचुरल कैटास्ट्रोफ, यानी कि प्राकृतिक जो आपदा है वो कारण होता है मास एक्सटिंक्शन का। ओके, फिर थर्ड आता है हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, और जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ओके, पिछले 500 सालों में 500 ईयर्स 784 स्पीसीज IUCN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी वजह से तकरीबन IUCN के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स की वजह से पिछले 500 सालों में 784 के आसपास स्पीसीज खत्म हुई हैं। ओके, इनके एग्जांपल क्या हैं? जैसे डोडो बर्ड, आपने पढ़ा है डोडो बर्ड कहां से एक्सटिंक्ट हुआ? मॉरिशियस से। ओके, थायलासीन जो थायलासीन है वो कहां से खत्म हुआ? ऑस्ट्रेलिया से, तस्मानियन वॉल्फ भी इसे कह देते हैं। क्वेगा खत्म हुआ अफ्रीका से। स्टेलर सी काउ रशिया से, स्टेलर सी काउ खत्म हुआ कहां से? रशिया से। और 3 स्पीसीज टाइगर की, 3 स्पीसीज जिनके नाम है कौन कौन से? बाली, जावा JAVA और कैस्पियन, बाली जावा और कैस्पियन, 3 स्पीसीज ये हैं टाइगर की। ये खत्म हुई किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, यानी कि जिसमें ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ओके, फिर आगे इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, क्या कारण है बायोडायवर्सिटी लॉस की? causes of biodiversity loss.
causes of biodiversity loss. तो चार मेन कारण हैं. फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन. एलियन स्पीसीज का आना. एंड फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन. तो ये चार मेन हैं और इसीलिए इनको हम कह देते हैं इविल क्वार्टेट. इविल क्वार्टेट. इसके अलावा जो फिफ्थ है हमारा पॉल्यूशन, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लेकिन ये चार मेन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन. ओके, वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे. जो फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ओके, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिस्टर्ब्ड. बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए? हाउस, रहने के लिए स्पेस. ओके, फील्ड्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए. तो जो नेचुरल हैबिटेट है उसको क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है उसके लिए. और उसी की वजह से क्या हो रही है, जो स्पीसीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं. इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एक समय पे धरती के ऊपर तकरीबन 14% एरिया पर थे, अब वो घटकर डिक्रीजेस टू 6%. कितने घट चुके हैं वो? 6% तक बचे हैं. इसमें एक एग्जांपल आता है हमारा, पढ़ा है आपने, अमेजन रेन फॉरेस्ट. अमेजन रेन फॉरेस्ट जिन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ प्लेनेट. क्या कहा जाता है जिन्हें? लंग्स ऑफ प्लेनेट. ओके, उनको भी लगातार खत्म किया जा रहा है. किस चीज के लिए? फॉर कल्टीवेटिंग. फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन. सोयाबीन्स एंड फॉर ग्रास. ग्रास के लिए. किन के लिए? फॉर इंक्रीजिंग कैटल, जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? बीफ. ओके, तो जो फॉरेस्ट है अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? ग्रास लैंड में. किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? ग्रास लैंड में. ओके, सेकंड यहां पे आता है हमारा अबाउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन. सेकंड फैक्टर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है. सेकंड जो है हमारा, सेकंड पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक्सेसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइदर हंटिंग पर्पस के लिए, हंटिंग के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, या किसी अदर एक्टिविटी के लिए उसका एक्सेसिवली यूज किया गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? लीड्स टू एक्सटिंक्शन. लीड्स टू एक्सटिंक्शन. एग्जाम्पल इसमें आता है डोडो बर्ड. डोडो बर्ड जो मॉरिशियस में पाया जाता था,
और इसको क्या किया गया, एक्सेसिव हंट। एक्सेसिव हंट किसके लिए, फॉर इट्स विंग्स कह दीजिए, फेदर्स कह दीजिए, ओके उसके लिए इसको एक्सेसिवली हंट किया गया। ओके एक एग्जांपल इसमें आता है, दूसरा पैसेंजर, पैसेंजर पीजन, पैसेंजर पीजन का एग्जांपल आता है। ओके थर्ड पॉइंट जो है हमारा, दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो थर्ड पॉइंट है हमारा, दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन, यानी कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज इनटू लोकल पॉपुलेशन। और ये क्या करेगा, अफेक्ट्स द लोकल स्पीसीज, क्या करेगा ये लोकल स्पीसीज को अफेक्ट करेगा। ओके एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें आता है वॉटर हयाशिंथ, वॉटर हयाशिंथ, और इसे क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन लेक्स में, इंडियन वॉटर में, फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, और ये बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है, और जिसकी वजह से क्या करता है, सारा जो वॉटर का फ्लो है उसे क्या कर देगा, ये रोक देगा। ओके सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन विक्टोरिया लेक, नाइल पर्च का इंट्रोडक्शन किसमें, विक्टोरिया लेक में, विक्टोरिया लेक ऑफ साउथ अफ्रीका, उसकी वजह से क्या हुआ, लीड्स टू किल 200 स्पीसीज, 200 स्पीसीज ऑफ शिश्लिड फिश, शिश्लिड फिश। ओके देन नेक्स्ट आता है इसमें हमारा थर्ड वन इज कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास पार्थीनियम, पार्थीनियम पी कैपिटल आएगा इसमें, पार्थीनियम लैंटेना कैमेरा, उनकी वजह से जो लोकल ग्रास है वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। ओके और इसमें एक अगला एग्जांपल आता है अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश को जब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में तो उसने क्या किया, रिड्यूसेस, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडियन कैटफिश, जो इंडियन कैटफिश है उसका नंबर क्या कर दिया, इसमें कम कर दिया। ओके इसका नाम है अफ्रीकन कैटफिश का क्लैरियस गैरीपाइनस, कैरियस गैरी पाइनस। ओके तो ये था किसके बारे में, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के बारे में। फोर्थ हमारा आता है अबाउट को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन, जो को एक्सटिंक्शन है इस केस में क्या होगा, एक्सटिंक्शन ऑफ टू म्यूचुअली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअली सिंबायोटिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ओके इसमें क्या एग्जांपल आता है हमारा, प्रोनुबा, प्रोनुबा यूका सैलिस, प्रोनुबा यूका सैलिस एंड यूका, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं म्यूचुअली, अगर एक स्पीसीज खत्म होगी तो दूसरी स्पीसीज भी नेचुरली खत्म हो जाएगी। फिफ्थ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सॉरी इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, ओके वॉटर पॉल्यूशन, वॉटर पॉल्यूशन क्या करेगा, डिक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स उनके नंबर को घटा देगा, किसकी वजह से, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन
ओके एलिमेंट्स जैसे कि मरकरी, लेड, आर्सेनिक, जब ये पानी में चले जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ओके फिर इसके बाद हमारा आता है अबाउट थ्रेटन्ड स्पीशीज। थ्रेटन्ड स्पीशीज के बारे में, ओके तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पे मेंशन कर देते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज। फर्स्ट आता है इसमें रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है स्टार्ट किया गया था 1963 में, और कौन मेंटेन करता है इसे, IUCN, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड नाउ WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से। ओके और इसका साइन क्या है, रेड पांडा इसका साइन है। और इसका IUCN का हेडक्वार्टर कहां है इसका, मॉर्गिस स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो रेड डाटा बुक क्या करता है, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज या थ्रेटन्ड स्पीशीज, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ दोज स्पीशीज विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, जो खत्म होने की कगार पर है। ओके यहां पे एक और फुल फॉर्म पूछी जाती है, साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा कहा जाता है प्लांट्स को, फौना कहा जाता है एनिमल्स को। ओके तो इसमें जो स्पीशीज हैं वहां पे 8 कैटेगरीज या 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली वो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, सेकंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो चुकी हैं। ओके थर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिनका नंबर बहुत कम है। फोर्थ एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फोर्थ एंडेंजर्ड, फिफ्थ वल्नरेबल, सिक्स्थ लोअर रिस्क, सेवंथ डाटा डेफिशिएंट, जिनका डाटा ही हमारे पास नहीं है, और एट्थ नॉट इवेल्युएटेड, जिनके बारे में पता ही नहीं है। ओके तो ये 8 कैटेगरीज हैं, इनमें से जो थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, थ्रेटन्ड स्पीशीज हमारी 4 आती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड लोअर रिस्क। इनके साथ साथ 2 और ऐड की गई हैं। ओके अभी बात करते हैं वन बाय वन इनके बारे में। थ्रेटन्ड स्पीशीज में बताया मैंने 4 आ रही हैं, उनके साथ 2 और ऐड की गई हैं। 4 फॉर्म कौन सी हैं, फर्स्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सेकंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड वल्नरेबल स्पीसीज, फोर्थ लोअर रिस्क, फिफ्थ ये जो दो ऐड की गई हैं और रेयर स्पीसीज, और सिक्स्थ जो है हमारी दैट इज इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। ओके, वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। ओके, कभी भी खत्म हो सकती हैं, कैन बी एक्सटिंक्ट एनी टाइम, नंबर इन सभी का कम है और ये कभी भी खत्म हो सकती हैं। एग्जांपल इसमें है पिग्मी हॉर्स, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग। ओके, सेकंड एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि लो पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन कम है और इनके ऊपर भी खतरा बना हुआ है एक्सटिंक्ट होने का। अगर इनका हैबिटेट और ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो ये क्या आएंगी, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के बाद ये क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट, क्या हो जाएंगी, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ओके, एग्जांपल इसमें आता है रेड पांडा, इडरी इडरी, इडरी इडरी, जो कि क्या है, लार्जेस्ट लेम्यूर, किसका एग्जांपल है ये, हमारा एंडेंजर्ड स्पीसीज का एग्जांपल है। ओके, एशियाटिक, तो नेक्स्ट हमारा एशियाटिक वाइल्ड एस, और लॉन्ग टेल्ड मकाव, लॉन्ग टेल्ड मकैक। ओके, वल्नरेबल स्पीसीज जो थर्ड है हमारी, वल्नरेबल स्पीसीज यानी कि इनकी पॉपुलेशन भी क्या है, पॉपुलेशन इज सफिशियंट बट इफ हैबिटेट डिस्टर्ब्ड, अगर इनका हैबिटेट डिस्टर्ब होता है तो ये क्या होंगी, एंडेंजर्ड में आएंगी, फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड में, एंड देन फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्लैक बक, ब्लैक बक इसका एग्जाम्पल है। ओके, फिर नेक्स्ट है लोअर रिस्क, यानी कि अगर इनकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो इनकी पॉपुलेशन बड़ी आसानी से बढ़ सकती है। ओके, लोअर रिस्क इफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड देन these can flourish, these can flourish, increases its number, इनका number और ज्यादा बढ़ जाएगा। rare species यानी कि very less in number but their habitat is unaffected, is still unaffected, इनका हैबिटेट अभी अनइफेक्टेड है। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके, क्लाउडेड लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, और हवाइयन, हवाइयन मॉन्क सील, ये इसके एग्जांपल है। फिर आता है इंडिटर्मिनेट स्पीसीज यानी कि इनका नंबर भी घट रहा है लेकिन इसका रीजन नहीं पता, नंबर इज डिक्रीजिंग बट रीजन इज नॉट नोन, रीजन इज नॉट नोन, इसका रीजन नहीं पता कि क्या रीजन है, और रीजन वही होगा या तो कंपटीशन होगा या हैबिटेट का अफेक्ट होना होगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसके, आर्मडिलो ऑफ ब्राजील, आर्मडिलो ऑफ ब्राजील, शॉर्ट ईयर्ड रैबिट ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा जो द्वीप पड़ता है,
आर्मडिलो ऑफ ब्राजील और शॉर्ट ईयर्ड रैबिट ऑफ सुमात्रा, ओके, और मैक्सिको की प्रेरी डॉग, मैक्सिकन प्रेरी डॉग। तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट द टॉपिक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, थैंक यू।